बच्चे जब याद की यात्रा की बैठे हैं तो चेहरा और नैन प्रसन्न होने चाहिए। तो बच्चों के चेहरे और नैनों से पता पड़े कि कौन आया है। अगर चेहरे में चमक नहीं आई तो साधारण रीति बैठे आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा समझ कर नहीं बैठे, देह समझ कर बैठे। कुछ बच्चे देह में अटके हो और कुछ मौज मना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चमक रहे हैं। यहां जब भी बैठो देह से अलग होके बैठो तो सहज बाबा याद आएगा, और अगर सहज याद नहीं आ रहा है तो कुछ और याद आ रहा होगा, फिर समय सफल नहीं। याद की यात्रा में बैठे चेहरा बदलता है, कौन आया है, किससे मिलना है, किसके साथ जाना है। बाप दादा हर एक आत्मा स्थिति तो जानते हैं, पर यहां आए हैं बनाने के। हर एक बच्चा पहले जो है वो समझ के अपने को बैठे, ओरिजिनल में क्या है, शरीर या आत्मा। आत्मा समझते ही चेहरा मुस्कुरा जाएगा, अगर नहीं समझा तो बाप का प्यार भी अनुभव नहीं। प्यार का सागर बाप हर एक आत्मा पर प्यार की वर्षा कर रहे हैं। कुछ मजबूरी से बैठे हैं, कुछ सहज बैठे हैं, और कुछ बच्चे लगन में मगन है। चेहरा बताएगा, स्वयं को भी बताएगा। नशा चढ़ जाना चाहिए, मैं कौन, मेरा कौन। जिसे ढूंढते रहे हैं वो मिला या नहीं मिला, ये अंदर पक्का होना चाहिए।
आत्म अभिमानी स्थिति, मैं किसकी हूं? इस देह की भी नहीं, एक बाप की हूं। इस देह को भी छोड़ना है, बस ये देह धारण किए बाप से मिलने के, बाप का कहा सुनने के, अंदर ही अंदर पक्का हो जाए। वाह वाह के गीत गाए, अपने भाग्य पर नाच कर, मस्तक में चमकती मनी बाप से मिलन मना रही है। इस देह को छोड़ने के बाद एक बाप दूसरा न हुई, ये पाठ सहज हो ही जाता है, पर इस देह में रहते ये अभ्यास करना है, एक बाप दूसरा तो पद तय हो जाता है। जो बाप ने कहा वो बच्चे ने किया, माना बाप से बच्चा आगे भी जा सकता है, बाप की तो चाहना है बच्चे आगे जाए। माया की तरफ देख रहे छोड़ो छोड़ो कि उसे गुहार लगा रहे, माया छोड़ो, पर बाप की तरफ देखेंगे तो माया भाग जाएगी। मस्तक में बैठी चैतन्य मनी पावर ले बाप की साकाश मुझ पर आ रही, आत्मा जैसे कि नाच रही हो, इतना बाबा का प्यार मुझ प्यार। जो बच्चे लव में लवलीन है उन्हें देख बाप भी खुश हो,